नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीत दीक्षु। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री का पर जोरदार स्वागत किया गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को चुनरी भी बांटी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा पहुंचे और वहां पर उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान डीएनडी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। देख सकते हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जीएनडी पर ये उनका स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता भव्य तरीके से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहां पर पूरी तैयारियां की गई थी। पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को लेकर तैयारियां कर रखी थी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी लखनऊ में डेंगू से 5वीं मौत हुई है। ट्रॉमा सेंटर में युवक ने दम तोड़ा है और निजी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले गए थे परिजन। बुखार आने पर कराया गया था भर्ती। साथ ही आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग को नहीं मौत की जानकारी। साथ ही युवक के घर नहीं हुआ था एंटी लार्वा का छिड़काव। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। और यहां पर आपको बता दें कि डेंगू के चलते एक युवक की मौत का मामला सामने है। तो वहीं एक निजी अस्पताल में इस युवक को भर्ती कराया गया था और वहीं स्वास्थ्य विभाग को इस बात की कोई भी भनक भी नहीं थी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त के लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि 5वीं मौत हुई है राजधानी लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में। युवक ने दम तोड़ा है और साथ ही आपको बताते हैं निजी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले गए थे परिजन और बुखार आने पर युवक को भर्ती कराया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को इस मौत की कोई जानकारी नहीं है, कोई भी भनक नहीं लगी है। और आपको बता दें कि फिलहाल परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर कोक के कातिलों पर शिकंजा कसा गया है। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलंदशहर में चल रहा था लिंग परीक्षण का खेल और 4 महिलाओं और 6 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। लिंग परीक्षण की मशीन स्वास्थ्य विभाग ने जब्त की है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर बुलंदशहर में कोक के कातिलों पर शिकंजा कसा गया है। हरियाणा हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलंदशहर में लिंग परीक्षण का ये खूनी खेल चल रहा था, 4 महिलाएं और 6 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। लिंग परीक्षण की मशीन भी स्वास्थ्य विभाग ने जब्त की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां पर कोक के कातिलों को गिरफ्तार किया गया है। 4 महिलाएं और 6 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। लिंग परीक्षण की मशीन भी स्वास्थ्य विभाग ने जब्त की है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है और लिंग परीक्षण का एक खेल चल रहा था, जिसके चलते 4 महिलाओं और साथ ही दलालों को गिरफ्तार किया गया है। ये BNDT की टीम है और एक बहुत बड़े मामले का आज पर्दाफाश हुआ है। आज तक हमने एक बंदे, 2 बंदे को पकड़ते हुए देखा है
ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। अच्छा, ये लोग तक अगर हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट था, हम उसको लाए थे, उसको कराया था, हमारा जो डिकॉय था उसके साथ में हमने चार और गिफ्ट में मिले, ये चारों की और लिंग जांच की गई। ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकॉय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए, इनका पूरा था पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए, वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। तो उसी क्रम में वहाँ उन महिलाओं से जानकारी लेने पर उनको पता चला होगा कि हटौना के गाँव के किसी घर में उनकी जाँच की गई और वो टीम पूरी उसको ट्रैक करते हुए यहाँ हटौना में आई थी। तो जो घर का मालिक है उसको उन्होंने इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने पकड़ लिया है। महिलाओं ने आइडेंटिफाई किया है कि इस मकान में ही उनको शायद लाया गया था, जबकि उसके मालिक ने मना किया कि मैं इस तरह के काम में लिप्त नहीं हूँ जैसा कि बताया गया, और मशीन भी कोई बरामद नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया सबको और उनसे इंटर। तो फरकाबाद से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आई जहां पर आंगनबाड़ी में बच्चों को राशन नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता ने 5 महीने से नहीं दिया है बच्चों का राशन। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने डाला बच्चों के राशन पर डाका, ये बड़ी और अहम खबर। अधिकारियों से ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं और आपको बता दें कार्यकर्ता पर ऊंचे रसूख के चलते नहीं होती है कार्रवाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार ग्रामीणों को धमकी देते हैं और साथ ही शमशाबाद ब्लॉक के कलुआ पर सानी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर फरुखाबाद से जहां पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राशन पर डाका डालते हुए नजर आ रही है और आपको बता दें कि बच्चों का राशन नहीं लिया जा रहा है, तो वहीं ऊंचे रसूख के चलते आपको बता दें कि कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने से बचता हुआ नजर आता है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बच्चों का जो राशन है उस पर डाका डालता हुआ आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नजर आ रही है, इसके चलते आपको बता दें कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन ऊंचे रसूख के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने से बचता हुआ नजर आता है। राशन का राशन लेन जाओ तो जी बहुत जा कहते हैं कि राशन आओ ही नहीं, और भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ, वे कोरे कागज पे राशन नहीं दो तो फिर वे कोरे कागज पे दस्तखत हमारे करा लेंगे। शिकायत यहाँ कर रही थी इसलिए तो फिर समस्या ये जो बाल पुष्टाहार का राशन आ रहा है योजना के तहत, तो ये जो रूबी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये प्रति महीने हर बच्चे का राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है, किंतु ये हर महीने जो है कई लोगों का फर्जी दस्तखत करके राशन को ब्लैक कर लेती हैं। रजिस्टर पर दस्तखत करा लेती हैं और राशन नहीं देती हैं, अपना आप खा जाती हैं। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? 3-4 महीने हो गए जब से आपको मिला ही नहीं ना। कितने बच्चे हैं आपके? 2। उम्र बच्चों की कितनी है? 1 है 3 साल की, 1 है 1.5 साल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया है। तो वाराणसी से तस्वीरें हैं जहां पर गोवर्धन योजना का जायजा लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और वाराणसी में सथुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित भी किया है। तो वाराणसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और सथुआ बाबा आश्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। पार्वती पतिये ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज की जो षष्ठम
यमुनाचार्य सतवा बाबा के रूप में यहाँ पर संबोधित किए जाते थे, उनकी आज दसवीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, पिंडरा के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतजन महंत श्री बालकदास जी महाराज, महंत श्री सर्वेश्वर शरण जी महाराज, महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, महंत श्री अवध किशोर दास जी महाराज, स्वामी श्री परमेश्वर जी, स्वामी श्री सत्य चैतन्य आचार्य जी, हमारे काशी विद्वत परिषद से जुड़े हुए और अन्य विभिन्न संगठनों के जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी पूज्य संतजन और पूज्य सतवा बाबा की इस दसवीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित सभी उनके अनुयायी भक्तगण, यहाँ के सभी छात्र, आचार्य और उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ धाम के इस परिसर में आज आयोजित इस कार्यक्रम में मैं बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में, माँ गंगा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन यमुनाचार्य पूज्य सतवा बाबा को अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं संतों का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है, मानवता के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित होता है। और संतों की यही परंपरा उन्हें से समाज से अलग करती है। सतवा बाबा की परंपरा भी भारत के संतों की परंपरा की एक विशिष्ट परंपरा है, जिसमें सष्टम सतवा बाबा के रूप में पूज्य स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भूत भाव इसी काशी में होता है और इसके माध्यम से उन्होंने लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। जब भी मेरे काशीवासियों से बातचीत होती थी कि किसी कार्यक्रम में किसी संत को आमंत्रित करना है, तो यहां के सभी महानुभावों के द्वारा एक नाम आ जाता था कि सतवा बाबा को बुलवाइए, सतवा बाबा को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करिए। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के कृतित्व के आधार के अनुसार ही उसका व्यक्तित्व भी बन जाता है और उसी के अनुरूप जनता के सामने उनकी छवि और जनता के द्वारा उनके मन में भाव भी पैदा होता है। और यह हम लोगों ने काशी की धरती, यद्यपि बहुत विशिष्ट धरती है, बाबा विश्वनाथ की कृपा यहां के स्वयं रक्षक के रूप में बाबा काल भैरवनाथ जिस धरती के स्वयं रक्षक हों, बाबा विश्वनाथ जिस साक्षात धरती के प्रतीक हों, मां गंगा का आशीर्वाद जिस धरती को प्राप्त होता हो, उस काशी में जो भी आया, जिस भाव से इस काशी में आगमन हुआ, उसको उसकी प्राप्ति हुई। आपने देखा होगा बुद्ध अपना पहला उपदेश के लिए भी कोई धरती चुनते हैं तो काशी की धरती चुनते हैं।
बुद्ध को दुनिया के अंदर उनके उस उपदेश ने एक अमरता प्रदान कर दी। जो भी काशी में आया, जिस भाव से आया, उसको उस क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई, वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया। और उसी परंपरा में पूज्य संतों की उस विशिष्ट परंपरा में सतवा बाबा आश्रम और सतवा बाबा की यह परंपरा भी है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा महामंडेश्वर श्री महंत स्वामी संतोष दास जी महाराज सप्तम सतवा बाबा को कि अपने पूज्य गुरुदेव के उन कार्यक्रमों को संस्कृत के प्रचार प्रसार का हो, जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, गो सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो और तमाम अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को वह बड़ी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अपने पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुरूप इस परंपरा के विस्तार के लिए उनके द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूज्य सतवा बाबा जगत गुरु पूज्य स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज की उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको यहां पर स्मरण करते हुए उनके लोक कल्याणकारी धार्मिक जागरण कार्यक्रमों के लिए उनको नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा निरंतर बने रहे इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। तो आप सुन रहे थे वाराणसी से सीएमओ योगी आदित्यनाथ को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अंबेडकर नगर के अकबरपुर में एक व्यक्ति मोहम्मद राउफ को पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित होटल का व्यवसाय करता है और गंभीर रूप से घायल पीड़ित को इलाज के लिए चुला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ रवि श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? श्रीवर जी, पूरा मामला जो है कोतवाली अकबरपुर थाना क्षेत्र का है और एक अधेड़ व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास की है और वो रेलवे स्टेशन अकबरपुर के ठीक पीछे एक मोहल्ला है मुरादाबाद, वो वहीं का रहने वाला है और वो जो है होटल है, होटल का कारोबार है उसका, वो खाना वगैरह जो है बेचता है लेकिन बहुत ही गरीब व्यक्ति है और उसका क्या इंटरनल मामला है ये तो जानकारी में नहीं आया। फिलहाल 9 तारीख की बात है, 9 तारीख को लगभग 9:45 बजे के आसपास जो है कुछ एक उसके मोहल्ले का एक व्यक्ति है, उसका नाम सद्दाम है और 4-5 अज्ञात आदमी हैं जो स्कॉर्पियो से उसके होटल पे आते हैं और होटल का टाइम खत्म हो चुका था, वो बर्तन साफ कर रहा है और आते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके बाद उसको तुरंत गाड़ी में वो लोग बुलाने के बाद जो है उसको गाड़ी में ले लेते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी है और जिसका नंबर भी उस पीड़ित ने बताया है 7611 और उसने बताया उसने कि मेरे होटल के सामने गाड़ी खड़े करने के बाद उसने मुझे बुलाया और गाड़ी में जबरदस्ती उसको बैठा लिया, उसके बाद उसके आंख पे काली पट्टी बांध देता है और मुंह पर भी पट्टी बांध देता है और लगभग अपहरण जैसी स्थिति हो जाती है और 1.5 घंटे तक स्कॉर्पियो में उसको उस गाड़ी में घुमाते रहते हैं लेकिन उस 1.5 घंटे के दौरान लगातार उसकी पिटाई भी करते रहते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल 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 रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बुलंदशहर से है जहां पर बीजेपी विधायक को 18 करोड़ की लागत से बने ब्रिजोवर के निर्माण में घटिया मटेरियल लगाने की शिकायत मिली थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने सेतु निगम के तकनीकी स्टाफ को आदेश देकर ओवरब्रिज की सड़क को 3 जगह से खुदवाकर ओवरब्रिज की गुणवत्ता को जांचा। और आपको बता दें कि सेतु निगम में रिंग रोड स्कीम के मद्देनजर काली नदी पर 18 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनाया गया है। जनप्रतिनिधि हूं, आपकी सरकार आपके द्वारा आदरणीय देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति और कोई भी नेता प्रतिनिधि प्रदान नहीं की है हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। उस क्रम में मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सरकार देखी तो उसका भौतिक सत्यापन करना है, उसी में देख रहे हैं कि इसमें क्या गुणवत्ता है उसके बारे में खुदा।
सीबीआई करवा के इसकी जांच के लिए भेज देना। तो टेक्निकल टीम भी आपके साथ है? टेक्निकल टीम मेरे विधायक कदम, टेक्निकल टीम कहाँ होती, विधायक तो यहाँ पे निकल लेते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरुखाबाद से खबर है जहां पर स्कूली बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 3 बाइक सवार घायल हुए हैं और आपको बता दें सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें फरुखाबाद से जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 बाइक सवार घायल हुए हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की फरुखाबाद से जहां पर स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मारी है, हादसे में 3 बाइक सवार घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें फरुखाबाद से है जहां पर हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। दिलीप कटियार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कोई तमाम अपडेट और जानकारी है आपके पास? चाहूंगा कि स्कूली बस जो है बच्चों को छोड़ने जगह जाएगी और उधरी से 3 बाइक सवार अभी आमने सामने के चक्कर में 3 लोग जो बाइक सवार जो है वो लोग घायल हो जाते हैं और उनके घायल होने से फिर आसपास के लोगों ने बस को रोक लिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से खबर है जहां पर कन्नौज में एक आर्मी जवान की करंट लगने से मौत हो गई। आर्मी का जवान छुट्टी पर घर आया हुआ था, परिजनों ने बताया कि समरसेबल चलाते समय जवान करंट की चपेट में आ गया और जिसको इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बसपा के पूर्व मंत्री हाजी यकूब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि हाजी याकूब के साथ उनके परिवार पर मीट पैकिंग और प्रोसेसिंग को लेकर मामला चल रहा है और इसी मामले में हाजी याकूब और उनका पूरा परिवार पहले से ही फरार घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने हाजी याकूब पर कानून का शिकंजा कसते हुए उसके पूरे परिवार पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है और पुलिस ने हाजी याकूब को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। किया गया जिसमें कुल 7 लोगों के ऊपर ये नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीता, मोहम्मद इमरान कुरैशी, फिरोज, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब नाम के 7 लोग हैं। पूर्व में थाना खरगोदा के अंतर्गत ही एक अवैध रूप से संचालित मीट फैक्ट्री जिसमें कि सब स्टैंडर्ड मीट के प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग वहाँ पर की जा रही थी और छापा मारने पर ये सब प्रोडक्ट्स सब स्टैंडर्ड पाए गए थे और साथ ही साथ इसमें जो ये पूरी फैक्ट्री थी ये अवैध रूप से वहाँ पर संचालित बिना लाइसेंस के की जा रही थी। तो वहीं लखनऊ में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने स्मार्ट सिटी स्थित ICCC में बनाए गए डेंगू कंट्रोल रूम का दौरा किया और इस दौरान टीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों की भी जानकारी मांगी है। प्रबंधक ICCC ने कहा कि 6 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक फॉगिंग एंटी लार्वा से संबंधित 894, टेस्टिंग संबंधित 18, साफ सफाई संबंधित 12, डॉक्टर से कंसल्टेंट संबंधित 2, हॉस्पिटल में भर्ती संबंधित 2 और अन्य जानकारियों से संबंधित 67 प्रकरण प्राप्त हुए। वहीं उन्होंने कहा कि साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव की शिकायतों के निस्तारण का सत्यापन किया गया और जिलाधिकारी ने स्वयं कॉल करके शिकायतकर्ताओं से फीडबैक की लिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के बयान की खबर को लेकर ट्वीट कर अड़े हाथों लिया है, जहां उन्होंने एक तरफ सीएम योगी ने हिमाचल में अपराध मुक्त प्रदेश का दावा किया है तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा महिलाओं को खतरा बता रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।